अच्छा खवातीन नाजरीन ले ए की गल हुई खवातीन नाजरीन। अच्छा नाजरीन ए पता मैं की कर रहा वहाँ ए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ना मैं तेरे स्टोरी शेयर करनी सी ते उदी मैं तैयारी कर दिया कि मैं तेरे किस तरह शेयर करनी है। तुम हिसाब लाओ यार किन्नी मेहनत करके एक वीडियो बनती है और असी उन्होंने स्किप कर करके तो उदी मत मार छड़ी दी है। बहरहाल ये शायद आपको अच्छी लगे और उसको एंड तक सुनियो। अच्छा जी आज की स्टोरी पता है क्या है? आज की स्टोरी ये है कि मैं गया था एक दुकान पे, यहाँ से जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। अक्सर मैं उत्थे जो सवारी लैन जाना वा ना तो मैंने उत्थे दी दुकान बहुत अच्छी लगती है, वो हैगी नाइयां दी दुकान। ठीक है तो मैंने वो दुकान जी सिर्फ और सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पे ना बाल काटे जाते हैं। नहीं ये गल नहीं हैगी लेकिन वो दुकान यार बहुत अच्छी मैंने इसलिए लगती है क्योंकि उस बंदे ने यार उदे विच ना कुछ भी इन्ना कोई एक्स्ट्रा पैसा पूसा नहीं लाया, जिस तरह की वो उन्हें मेरे ख्याल लई सी तो उन्हें अंटीक जी किस्म की बना ली है। तो मैं अक्सर उत्थे जो जाता हूँ ना मेरा दिल करता सी यार मैं जी ना अंदर वड़ के वीडियो बनावा। फिर मैं उस दिन उसके को पूछा अच्छा मैं यार मैं तेरे ना दुकान की वीडियो बनाना चाहना वा तो बना सकना वा, तो उन्हें कहा चौधरी साहब मसला ही कोई नहीं है पैसे किन्ने दोगे? मैं क्या चौधरी पैसा पूसा कोई नहीं है? नहीं मैं मजाक करन दिया, मैं पैसा बेचारे ने पूछा भी कोई नहीं तो मैं दिता भी कोई नहीं क्योंकि मैं बिला वजह उन्हूं उस चीज़ के पैसे देव जी कि उसकी मशहूरी हो रही है। तो लेकिन मैं खैर जी मैं मशहूरी के चक्कर नहीं क्योंकि यह वाली दुकान इस तरह की दुकान मेरे नहीं ख्याल के नाजरीन तुम्हें भी जर्मनी के कित ना कि वेखी होगी क्योंकि जी नाइया दुकाना होंगे नहीं जी बाल काटने वाली जो दुकानें होती हैं ना तो वो मतलब एक्सट्रा उन्होंने पैसा पूसा ला के तो वेरी गुड किस्म की उन्होंने की होंगी, टी वी शी भी लाए होंगे ने ए सी लगे होंगे ने तो इतने कुछ भी नहीं है। इतने बिल्कुल जिमें पिंडा पाकिस्तान इंडिया के पिंडा दुकान होंगी ना कि एक की नाम वह कुर्सी सामने टेबल और सामने शीशा तो चार पाँच कैंचियाँ दो उस्तरे। यार मैंने तो सारिया चीज़ा पता है, मैं तो हल्की जी नाइया की दुकान खोल भी सकना वा अगर सही पूछो तो। अच्छा मैं जो वीडियो बना रहा से ना तो मेरे दिमाग के ना एक फील जी आ रही थी, मतलब मैंने एक फील जी आ रही थी एक फिल्म तुम शायद देखी होे भी कई ने देखी हो बिल्लू बारबर। वो बिल्लू बारबर जो ना इंडियन फिल्म है इरफान खान की बहुत अच्छी फिल्म, अगर किसी ने नहीं देखी तो तुम उन्होंने देखो बहुत वेरी गुड किस्म की फिल्म है ना। तो मैं वो वाली फील खैर मैं आ रही थी तो खैर मैं ये को ना बाद पूछा गया मैं यार तेरे दिमाग के किस तरह मतलब आई कि मैं इस तरह की दुकान बनावा क्योंकि मेरे वास्ते इंटरेस्टिंग यह चीज़ इसलिए सी कि यार जर्मनी के वाकई मैं इस तरह की कोई दुकान नहीं देखी, तुम भी शायद ना देखी हो सही है। तो मैं कहते कहते यार मैं ना अंटीक चीज़ा पसंद ने, हालांकि वो आप जो बंदा है ना वो वाला जो मालिक से यदा उन्हें आप सूट मतलब बिल्कुल पेंट कोट काले रंग का वेरी गुड किस्म का पेंट कोट पाया से बहुत अच्छी किस्म की जुत्ती पाई से उन्हें मुछा इस तरह घुमाटू मुछा सी घूम दियाँ एंड के उ जाके जो ना घूम दियाँ मुछा ठीक है घूम दियाँ मुछा है किसी गल तो हल्की हल्की दाढ़ी तो वेरी गुड किस्म का इंसान लग रहा है मतलब जेंटलमैन जेंटलमैन किस्म का ना। तो वो मैंने कहते कहते यार मैंने अंटीक चीज़ा पसंद ने तो बल्कि इन चीज़ों के कई चीज़ा ऐसा ने जिड़िया मेरे व्डिया दियाँ ने व्डिया तो मुराद हम तुम दादे पड़दादे कह लो प्यो दादा कह लो जी मतलब व्डिया दियाँ ने ना तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं डेकोरेशन वास्ते इतने रखिया ने उन्होंने इस्तेमाल नहीं मैं करता लेकिन फिर भी मैं उन्होंने याद के तौर पर या डेकोरेशन वास्ते कि मैं इस दुकान के रखी है। और मैं पिछे तुम देखी होनी एक तस्वीर भी वो व्डिया की तस्वीर है वो मतलब चाचे बाबे वड्डियां दी तस्वीर है सही है। खैर मैं हुण उत्थों बाहर निकल आया और अपनी सवारी का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैं टैक्सी चलाता हूँ। नाजरीन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि मैं टैक्सी चलाता हूँ माइंस में तो हुण मैं सवारी का इंतजार कर दिया और सवारी ने मेरे नाल जिथे भी जाना है ना वो अगर मैं उन्हें दूसरे रस्ते तो लैके जावां वो मैं अगे जाके तुहानूं दसना वो मैनूं किन्ने किलोमीटर पैना सी और इस रस्ते जिथों मतलब कि दरियाओ दरियाई मतलब कि दरिया बैरी जहाज से यार असीं बह के ना तो दूसरे तरफ गए सी तो वो मैं हुण तुहानूं जरा दस लवां ना। अच्छा नाजरीन असं हूँ इतने पहुँच गए वाला कितने पहुँच गए असं हूँ इतने पहुँच गए जिथे इस तो बाद जानिया ने जहाज अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं मतलब कि जिन्होंने इंग्लिश कही तो इंतजार ठीक है। तो यार मैं तुम्हें चीज़ दिखावा एक अच्छा नाजरीन ये है ने कि नाम होता अंगूर के दरखत तो ये मेरा ख्याल अंगूर खट्टे नहीं है पक्की गल है आहो अंगूर के ने यार ए बिल्कुल निके निके अंगूर गल नहीं समझ लगी नाजरीन। अच्छा नाजरीन ए कह रहे ना चोर 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 ए ना मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है उधर ही रहा जिधर मैं सवारी लैके गया से ना तो उन्हें कहता मैं वेख्या कहता मैं शक जी पई कि तू ही कैमरा लैके तुरै फिर हूं वे तो तू ही होना है ना। तो खैर इन मैं कहते कहते इधर किधर तुरै फिर मैं यार सवारी है इन्हें इंज करके तो बैरी जहाज से इंज करके तो उधर जाना है ना तो मैंने कहते कहते यार इन्हें बारों बार लैके जाता कहते तेरे पैसे बनने से मैं पैसे तेने मैंने पूरे दे छे लेकिन कहते कि यार इधरों भी चलीए या इधरों चैक करने कि इधर की सिस्टम है ना। तो खैर असं हूँ आहिस्ता आहिस्ता हौली हौली इतने पहुँच गए कि नाम है जहाज के उपर
अच्छा नाजरीन, हुण मैं बाहर निकल आया वहाँ तो रौला बहुत पैन दिया, आवाज़ आ रही होनी है ना, तो मैं अपनी सवारी को पूछन दिया, मैं चौधरी है की है, तो ये हैगा वे यार पता नहीं तुम नज़र आ रहा कि नहीं ठहरों इस तरह करके, ये हैगा संगल मतलब जिम्मे मझा नहीं बनी दियाँ, तो ये जहाज बनते हैं अपने, ओके तो सामने पार्टी हो रही है, तुम किराए से भी ले सकते हो जहाज, मैनू नहीं पता लेकिन मेरा ख्याल है ठीक है ना। अच्छा हम अभी जाना पता कितने वे हो तम शैमो खामक आदि सारिया गल् छो है वेखो फ्री दुरिया फिर दी इतने अंदरों इन्होंने खा भी लेना यार, इन्हों मौज है वैसे अल्लाह की कस्में, ना कोई इन्होंने कोई घर का किराया तारना है ना बिजली का बिल तारना है। अच्छा हूँ इतने आना एक बंदे ने, मेरी आवाज़ पता नहीं तुम आ रही है कि नहीं, इतने एक बंदे ने आना है और उन्हें साढ़े को पैसे लेने ने, मेरे ख्याल 5 यूरो है गड्डी दे और 3-3 यूरो होंगे ने बंद आते, मतलब जिन्हें बंद ने उन्हें 3-3 यूरो 5 यूरो गाड़ी के, सही है। मैं क्या मैं इनफॉर्मेशन तुम दे देवा ना नाजरीन को। अच्छा नाजरीन साढ़ा जहाज 200 रुपया है, असं जाना पता कितने वे, तुम हसते होने कि यार गड्डी वीडियो बनाते एक चीज़ की, असं जाना वे और जितने सामने दरखत नज़र आ रहे तुम असं उत्थे जाना है, लेकिन अगर तुम इतने नॉर्मल जाओ ना, मैं पिछली वीडियो के मैं दसिया सड़कों सड़की ना, तो तुम कितनी देर लगनी है, तकरीबन 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर के किन्ने आओ तुम कह लो 40 मिनट लग जाएंगे या अद्धा घंटा 35 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इतने सानू लगने ने हुण, बल्कि असं नेड़े लग भी गए हैं जो सही पूछो तो नाजरीन, यार अजे तक वो बंदा कोई पैसे लैन नहीं आया साढ़े को, जेंगो खम खाने फिर ऑपरेशन करने दो। अच्छा अच्छा वह बंदा नहीं जो टिकट कटन दिया है, यह हैगा है कंडक्टर TT जहाज का, मैं मेरी सवारी मैंने डराई जान दी, कहता हूँ अल्लाह तला माफ़ी दे कोई जेंगो दस देखी शादू फिलहाल पहन दे खम नथ्रेस पर उन फल क्या मैंने डरा दिया, कह दिया कि वो गड्डी आ रही तो वह सा अल्लाह तला माफ़ी दे एक्सीडेंट हो जाए, यार इन्हों ए भी नहीं कहें अल्लाह माफ़ी दे, असं भी कह छड़ देने एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा साडा जहाज खलोता वे उन्होंने राह देने वास्ते जंगू भी फा फार निशके नाजरी ने बिल्कुल सारिया गल् छोड़ो यार, मैं लग रहा टाइटैनिक बैठा वा, नाजरीन जी मैं सू सही दसा ना, बाकी कस्में सिर्फ 5 मिनट ही लगे ने उतों इतने तक, बाकी वो जो 4.5 मिनट मैं तेरा सिर खाधा है, तो हूँ बहर असं हूँ इतने नेड़े लगे हैं उतरन वास्ते, तो हूँ मैं उतर के तेरे दोबारा रबता करना, तो कप कप के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाजरीन मैं तेरे पहले एक गल क्लीयर कर देव, वो यह कि साढ़े मैं तुम्हें पहले कह रहे थे कि 5 यूरो लगते हैं गड्डिया के और 3-3 यूरो लगते हैं प्रो परसन, ठीक है, लेकिन थोड़ी जी मैं फालश तुम गलत इनफॉर्मेशन दे छी है, उन्होंने मेरे को ले सी 2 बंदियां दे और एक गड्डी दे 6.5 यूरो, हुण उहदे विच पता नहीं गड्डी दे किन्ने पैसे सी और बंदियां दे किन्ने पैसे सी, मैं कहा जरा मैं अपनी तुसी कर लवा, यार तुसी कर लई है मतलब तुसी तुम राद है शायर की यहाँ पे, ये कि मैं अपनी बात को मैंने दोबारा पेश कर दिया है सही तरीके के साथ, पता नहीं तुसी लफज ठीक सी कि नहीं सी ठीक, बहरहाल नाजरीन हुण मैं उस्मान साहब तुहानूं इह दस रहे ने कि मैं सवारी नूं ला छड्या और अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, आज तक के लिए इतना ही था, ते रब रखा, लव यू सारे नूं, ते अल्लाह हाफिज़।